हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीला। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद शीला में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा है, तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था भाभी का, भाभी को दिखाना था, तो छोटा बेबी है तो उनके साथ मैं भी जा रही थी। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और ये गाड़ी में बैठ के इतना खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। देखो कैसा जो है दौड़ रहा है। तो हम सुबह ही जा रहे थे, लगभग 7 बजे घर से निकल लिया था और नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो उसके बाद हम तुरंत निकल लिए बच्चों के जाने के बाद। तो अभी यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करो, क्योंकि अभी वॉच टाइम की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो। ये देखो भाई, हम और बाबू कहाँ जा रहे हैं? हम और बाबू घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? घूमने जा रहे हो ना? गाड़ी चलाना। देखो हमारे बाबू घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबू? घूमने जा रहे हो ना? कितने तो हम लोग जिस दिन जा रहे थे उस दिन रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और सुबह सुबह का ही टाइम था, तो इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था रास्ते में चलने में। मैंने शीशा डाउन करके जो है बाहर ऐसे सर निकाल के देखा था और बाबू हमारा सो गया था रास्ते में ही गाड़ी चलते चलते, तो इसको सीट पर ही हमने लिटा लिया था। हमने कहा गोदी में इसको कम्फर्टेबल कम लगेगा। और हम लोग जा इसलिए रहे थे क्योंकि जब बाबू पेट में था तो भाभी को तभी से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, उसी के लिए जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत दवा करवा लिया पर ठीक नहीं हुई। तो हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, भाभी को थोड़ा सा ऑपरेशन होना है, तो इसीलिए हम लोग लखनऊ जा रहे हैं आज, और बाबू भी साथ में। तो देखो बाबू मेरा सो गया है, बाकी आपसे मिलते हैं, तो आपको भी वहीं हॉस्पिटल मिलते हैं। और देखिए हमारे साथ भाभी हैं और भैया हैं, देखो भैया को भी दिखा। हाँ, ये भैया हैं और ये भैया हैं वो भैया गाड़ी चला रहे हैं, पीछे नहीं देख सकते तो अभी हम लोग अभी हाफ रास्ते पहुँचे हैं। पहुँचने वाले हैं ना हम लोग, अभी लखनऊ बीच में चल रही हो, अभी कहाँ निकल रही हो? अभी तो कमांड क्रैश की हो, इधर कमांड का एरिया ही है ये वाला। हाँ अभी कमांड देखा था, कमांड एरिया ही है। और उस दिन जानकीपुरम में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था क्योंकि उधर ही हॉस्पिटल था, बहुत ज़्यादा पानी, आधी आधी गाड़ी डूब जाती थी। इनको घूमना है, इनको अंदर नहीं रहना है, रो रहे हैं अंदर, इनको ज़मीन चाहिए खेलने के लिए, तो मैं इनको बाहर टहला रही हूँ। भाभी डॉक्टर को दिखा रही हैं। क्यों बाबू तुमको घूमना है? इनको घूमने के लिए चाहिए। ये देखिए ये पेड़ जो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है, ये हम लोग बचपन में बहुत देखते थे। इस पेड़ को क्या कहते हैं? अभी तो मैं भी नाम भूल गई हूँ, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, आप लोग बताइएगा इसको क्या कहते हैं। और हॉस्पिटल में ना ये गोदी में या सोफे पे रुक ही नहीं रहा था, इसको चाहिए थे ज़मीन खेलने के लिए। हम बहुत परेशान हुए तो फिर इसको छोड़ दिया और ये देखिए कैसे चेयर पे खेल रहा था इसी तरह से। इधर देखो, ये इधर देखो इसका कहीं भी हो सिर्फ खेलना। तो उसके बाद शाम को ही हम लोग वापस आ गए थे उसी दिन, तो ये वापस आ रहे थे तब का व्यू है। जाते समय से दूसरा रास्ता भी आते समय बाहर बाहर लिया क्योंकि ट्रैफिक बहुत पड़ जाता, सुबह तो कम ट्रैफिक था पर शाम को बहुत ट्रैफिक पड़ जाता। पर घर आते आते जो है काफ़ी देर लग गई थी। और हाँ, हॉस्पिटल वगैरह जाओ तो यार बहुत ज़्यादा थकान लगती है और माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाता है दवाओं की स्मेल से, तरह तरह के मरीज देखे। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हमारे यहाँ रास्ते में एक चौराहा जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौराहा, एक पता है नशे में था क्या था, दारू पी रखा था, ये जो चौराहा होता उसके बीच खंभे पे चढ़ के डांस कर रहा था। यहाँ पर पुलिस काफ़ी लगी थी, फोर्स भी आ गई थी,
तो ये सबको साइड कर रही थी और इतनी भीड़ लग गई थी इसको देखने के लिए, और ये मस्ती से ऊपर चढ़ा ऐसे ही डांस कर रहा था कंटिन्यू। और इसमें तो वीडियो में तो क्लियर नहीं दिख रहा है, पर इसके चारों तरफ तार फैले हुए थे, घिरा हुआ था ये तारों से, तो पुलिस को डर लग रहा था कहीं ये कुछ छू ना ले, किसी में तार में लग ना जाए, तो वो बहुत कोशिश कर रहे थे पर ये बिल्कुल नहीं उतर रहा था। मैंने तो पूरा नहीं रिकॉर्ड किया, पर कहीं लेट के, कहीं खड़े होके, कहीं बैठ के ऐसे डांस कर रहा था, और मज़ा भी बहुत अच्छा देख के आ रहा था, सबको हंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बोलो बेटा, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय।